मधुबनी मधेपुर प्रखंड के भखराइन गांव में बीती गुरुवार को देर शाम चार दोस्त मिलकर नदी में नाव से पार हो रहे थे। इसी बीच नाव की संतुलन खोने से नाव नदी के बीच मझधार में डूबने लगा, जिसमें चार लोग सवार थे, जिसमें तीन लोग किसी तरह तैरकर बाहर तो निकल गए, लेकिन अपना दोस्त पारस झा को नहीं बचा पाए। लोगों के अनुसार यह सभी दोस्त शाम के लगभग 6 बजे नदी में नाव से पार करके रहे थे, जहां नाव की संतुलन खोने से नाव नदी में डूब गया, जिसमें पारस झा की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम सी छा गई तथा परिजनों का हाल रो रोकर बेहाल है। पांच बहन में मात्र इकलौता लाल पारस झा थे। वहीं घनश्याम झा के ऊपर समझे पहाड़ जैसा टूट पड़ा। काफी मशक्कत के बाद लगभग 18 घंटे के बाद किसी तरह से नदी से लाश को नदी से बाहर निकाला। वहीं मधेपुर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मधेपुर अंचल अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नियमानुसार जो भी सरकार की तरफ से राहत होगा वह परिजनों को दिया जाएगा। मधुबनी जिले से द बिहार झारखंड के लिए संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट। आ जाए अगर एक मंत्री का भैंसी खुल जाता है उसके खोजने के लिए सैकड़ों पुलिस जवान लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक निरीह आदमी के लिए सुदूर देहात में घटना हुई है और यहाँ पर देखने वाला कोई अभी क्या इंतजाम लेके आया है? क्या इंतजाम के साथ आया? हमारा टीम आ रहा है, जाल है, बांस है, गजबंसी है, जो संसाधन स्थानीय रूप में उपलब्ध है वो है। अंचल के तरफ से या जिला प्रशासन के तरफ से इन गोताखोरों को जो 14 सामान उपलब्ध कराया जाना था, जैसा सिमरिया में और मुंगेर में उपलब्ध है, यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ होना चाहिए, सबसे वल्नरेबल जगह ये है आपदा का मधेपुर प्रखंड। यहाँ का इतिहास है कि इससे बड़ा आपदा ग्रस्त कोई क्षेत्र है ही नहीं जिला में। तो आप लोग को यहाँ रेगुलर नहीं।